बच्चों हम लेसन टू के एक्सरसाइज करेंगे। नंबर टू पे दिया हुआ है वर्ड पावर। आप कॉपी में डेट लिखेंगे 08.08.2020 और लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरना है विथ वर्ड्स गिवन बिलो। विथ मतलब साथ में, वर्ड्स मतलब शब्दों से, गिवन बिलो, बिलो यानी नीचे, जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं इन वर्ड्स की मदद से आपको यहाँ जो ब्लैंक है वो भरने हैं। ये मैंने सारे आपके लिए तैयार करके रखे हैं, आपको पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट है इंग्लैंड इज अ कोल्ड और ब्लैंक है। पहले हम ब्लैंक में क्या भरते हैं इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, इनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है country कंट्री यानी देश, another अनदर मतलब एक और दूसरा, distance डिस्टेंस मतलब दूरी, fly फ्लाई मीन्स उड़ना, seat सीट मतलब बैठने की जगह, lazy लेजी मीन्स आलसी। इंग्लैंड इज अ कोल्ड, यहाँ आएगा कंट्री, इंग्लैंड एक ठंडा देश है। सेकंड, इन द बस, बस में, आई डिड नॉट गेट अ ब्लैंक, मुझे बस में नहीं मिल पाया, आई स्टूड ऑल द वे, मैं पूरे रास्ते भर खड़ा खड़ा आया। तो बस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है यात्रा करने के लिए, अगर वो नहीं रहेगी तो हमें खड़े रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही, seat सीट, अगर बस में सीट नहीं मिलेगी तो खड़े खड़े हमको यात्रा करना पड़ेगा। थर्ड, द ब्लैंक बिटवीन माई हाउस एंड माई स्कूल इज 3 किलोमीटर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे घर और स्कूल के बीच में 3 किलोमीटर है। तो घर और स्कूल के बीच में क्या होती है, दूरी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा डिस्टेंस, मेरे घर और स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। फोर्थ, अ बर्ड कैन ब्लैंक बट आई कैन नॉट, अ बर्ड एक काम कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, बर्ड उड़ सकता है मैं नहीं उड़ सकता, ए बर्ड कैन फ्लाई बट आई कैन नॉट, बर्ड उड़ सकता है मैं नहीं उड़ सकता, दिस एग इज बैड, यह अंडा खराब है, गिव मी ब्लैंक एग, मुझे दीजिए अंडा। तो हम जब दुकान वाले से एक अंडा लेते हैं वो ख़राब निकलता है तो हमसे क्या कहते हैं, इसे बदल कर इसकी जगह दूसरा अंडा दो, एक दूसरा अंडा। तो एक दूसरे के लिए इंग्लिश में वर्ड है एन अदर, एन अदर। ही डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, वह कोई भी काम नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, पिछले साल जो कोई काम नहीं करना चाहता हिंदी में पढ़ा था, उसको हम आलसी कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं लेजी, ही इज़ अ लेजी मैन।